अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत? ठीक ठाक। आमिर भाई के साथ एक और कोलैबोरेटिव वीडियो आपके लिए हाजिर। आमिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी। या फैसल भाई, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद नजर आए हैं आप। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। हाँ यार, बस वही बिजी जा रहा है, काम वगैरह, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आप रेगुलर आओ एटलीस्ट वंस अ वीक। निकाल लिया करें तो टाइम, आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं, आप हर वीडियो में आते हैं, यही कहा है। नहीं, इंशाल्लाह जरूर जरूर। नहीं, आप और भाई, क्या है हमारे देखिए, व्यूअर्स ने व्यूअर्स भी के साथ नोट क्या किया हो होगा कि हर वीडियो में आप कहते हैं, जब आते हैं तो थोड़ा मैं लेट हो गया। रहा है? हाँ नहीं, सही बात है, आपका गिला आज सही है। मैं वाकई थोड़ा टाइम लगा देता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। सही, नहीं और भाई, क्या है आज हमारे लिए व्यूअर्स के लिए, वो क्या था प्लीज जी, बताएं हमारे लिए, आप या क्या प्रोमो वो कर रहे हैं? एपिसोड 184 to 186 है ना वन उसमें? एटी फोर जी, करेक्ट। हाँ, जी तीन एपिसोड हैं जी, सही उसका है। क्लिप है, और आई थिंक कुछ पुराना, कुछ इमारत है पुरानी, बहुत 150 साल पुरानी है, ऐसा कह जी दे, वहाँ पे जाके शूट किया गया है। इंटरेस्टिंग है क्लिप, साथ मिलके देखते हैं। और भाई, और सही है, फिर चलो साथ साथ स्टार्ट बातें भी करते करते हैं। हैं। चलो, मैं हेडफोन्स लगा लूँ। ठीक है जी, रेडी? जी, सॉरी, 1 2 3। वाह अच्छा, ये चमचा टाइप अकबर, चीज गिरी है। ये कमर्शियल तंदूर होते हैं ना, उसमें यूज होते हैं। अच्छा, मगर इसका यहाँ क्या? इस बार को ये बारबेक्यू की, वो बारबेक्यू करते हैं ना उसमें। अच्छा, ये पंखा आया है कि पंखा काफी नीचे है, लेकिन मैं समझ रहा शायद हाथ लग गया हो, ना, लेकिन और वो हाँ कैमरा फौरन उन्होंने घुमाया है उधर, नहीं ना? ये असद भाई ने पैन करके दिखाया पूरा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुड। अच्छा, ये इसका ग्लास का गिरना थोड़ा। ये तो ये चीज जो है ना जी, और चांदी, ये हैरान कुछ चीज लग रही है जी, के जैसे ना, मतलब चलिए दोबारा देखें। अच्छा, पड़ा पड़ा वहीं पे गिरा है। हाँ वहीं पे हिला है वो, या गिरा है वो, रिकॉर्ड भी है ये भी इसके खाने पकाने की चीज सामने होगी बाल आई साहब गेस। इसके पूरी। अच्छा, ये बैग हमने दिखाया है कि एक तरफ पड़ा हुआ था। बैग, हाँ जी बैग एक तरफ पड़ा हुआ ऊपर। पायल पायल ऑफ क्लोथ्स है, गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर से ये कुछ कैमरा ये घुमा लीजिए। बाकायदा अच्छा, उड़ के आया है ऐसा लगा मुझे। ये दिस वाज गुड, आई थिंक ये फ्रेम में आ गया था, लगता ये पीस बात की। टांग पे आके अच्छा, लगाया। ये बड़ा जबरदस्त लगा मुझे, ये दोनों साइड्स कर कवर की हुई है, और देखे बिल्कुल, अंदर से असद भाई बना रहे हैं और बाहर शेरी भाई अपना मोबाइल ले ये रहे भी, ये ऊपर से भी आवाज आई है अभी। हैं। क्या हुआ? ये बंद हो गई है बिल्कुल जबरदस्त, ये बहुत अच्छा, ये जी। कंफर्म हो जाता है कि कोई कैमरा तुम्हारे छेड़खानी लिए, नहीं कैमरा करा। तुम्हारे लिए, बिल्कुल। बिल्कुल। यार इतने कोई शेयर खड़ी है, ये बोल अच्छा, उनको लग जबरदस्त। रहा था कि कुछ खड़ा है, कुछ फीलिंग आ हाँ, रही है। उसने कोई तो कहा कोई भी है चीज कोई खड़ी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा। ऐसा अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये आवाज तो ऐसी है जैसे कोई लगे लगा। आके। हाँ मैंने देखा है, कुछ चीज लगी आगे, पानी वाली बॉटल में कुछ चीज लगी है। आवाज तो आई है। आवाज आई, वही मैंने भी आवाज सुनी है। ये भी गुड कैप्चर, अच्छा, दोनों साइड इसमें भी कवर की हुई है उन्होंने। बिल्कुल। हाँ, दोनों तरफ से दिखा दिए। ये धक्का लगाया है धक्का शरीफ भाई को, आते हैं बिल्कुल। लगा बाजू में ना अभी। ये
आपने बोला? नहीं मैंने हाँ प्रमोट किया, ये मैंने मैंने नहीं नॉक खोला। करके पीछे क्यों दरवाजा नहीं ऐसा भाई बहुत दूर था। ये बड़ा अच्छा था ये वाला ना। ये बहुत अच्छा था, आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर फ्रेम में आया है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द फ्रेम। बहुत अच्छा। ये थप्पड़ पड़ा है असल में ही तो खतरनाक ही समझा। तो उसके बाद ये जो एक्टिविटी हुई है बड़ी जबरदस्त थी, जो विंडो बंद हुई। ये विंडो नहीं था, आई थिंक ये कबर्ड टाइप थी। कबर्ड कबर्ड सॉरी, ये देख लिया यार बाहर से निकाल रहे हैं भाई, बाहर से निकाल। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चांद भाई ना फॉरेन इंस्ट्रक्शन दे देना, ये गुड सारा कवर कर लिया सही देना। ये क्या हुआ फिर से? बोल मैं गुजर रहा था पीछे से बंद हो गया, लगा कि ये फाउंडर ये अस्तगफिरुल्लाह। ये भी बाहर से शरी भाई बना रहे हैं अंदर से चांद भाई, जबरदस्त। अच्छा ये बड़ा हैरान कर देता है, थोड़ा सा वाइड एंगल होता ना ज्यादा क्लियर हो जाता है। ये कुछ उठा है थोड़ा, वाइड खड़े होते ना चांद भाई तो आई थिंक थोड़ा करीब से भी दिखा देना चाहिए था ना क्लोजअप। नीचे कुछ पड़ा तो नहीं है, कुछ जानवर तो नहीं है कुर्सी के नीचे ये। एनीवे बच गए, सर पे लग सकता है। बच गए यार। टेबल भी देखने था, दिखाई गई टेबल भी देखने। मेकअप केस नहीं होता था, मेकअप केस। अच्छा अच्छा ये वो कुछ बैग वैग टाइप की कुछ चीज है। हाँ सही सही सही, ये जबरदस्त है यार, जबरदस्त। दीवार पे पड़ा हुआ है, पीछे से कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्लॉक है पूरा पीछे। जबरदस्त, और करीब से भी दिखा दिया है कि उसपे कोई लगा हुआ ना हो रस्सी वस्सी। ओ तो अच्छा ये वाली फीलिंग जो है ना, ये मुझे जाननी है ये क्या फीलिंग होती है जब ऐसे कुछ नजर आता है और आपकी उस वक्त जो बंदा वहां पे खड़ा होता है जो देखता है उसकी क्या फीलिंग होती है? यार मैं तो भाग जाऊं अगर मुझे ऐसा कुछ नजर आ जाए। जिस तरह से इनके एक्सप्रेशन बने हैं ना, जिस तरह इन्होंने रिएक्ट किया है, ये बिल्कुल नेचुरल आता है ना, बंदे का सांस रुक जाती है, बंदा बोल नहीं पाता। सही सही सही। अगर कोई सोच यार शायद ये खुद करके खुद एक्टिंग हो रही है, तो एक्टिंग में ये वाली चीजें जो है ना जो नेचुरल आती है वो नहीं आ सकती। सही सही, सांस रुक जाना, कुछ ही ऐसा लग रहा है कि झांक रही है और फिर से चली जाती है जी कुछ। हाँ यार रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, गूज बम्प्स। ये भी अच्छा रिकॉर्ड है ये। हाँ सही, फ्रेम में था ये। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। अगेन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन जी। क्या ख्याल है आपका? बेहतरीन, जबरदस्त कैमरा वर्क था यार। सबसे पहले जो उन्होंने पहली एपिसोड में असद भाई ने पकड़ा हुआ था, बड़ा बेहतरीन उन्होंने भी कैमरा पैन करते रहे और जबरदस्त रिकॉर्ड हुआ उसके बाद। हाँ ये मुझे, हाँ ये मुझे अच्छा लगा है कि ये लोग ना अब इन चीजों पे का ध्यान रखने लगे कि पैन करना जरूरी है। हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई कोई और छेड़खानी नहीं कर रहा, चौथा बंदा नहीं है, पैन कर दिया। और या मैंने जैसे पिछले एपिसोड में कहा था कि आई थिंक चांद भाई से अच्छा कैमरामैन मैंने नहीं देखा, उनकी क्विक थिंकिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे फॉरन, है ना। इनका तो भाई जैसे हमेशा कहते हैं इनका कैमरा वर्क और शहरी भाई का स्टाइल ऑफ इलस्ट्रेट, जैसे वो इलस्ट्रेशन देते हैं बड़ी जबरदस्त। और असल भाई का मैंने नोट किया था, इनकी वो ही इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ आपने सही कहा, उन्हें कुछ अंदाजा हो जाता है कि कुछ अभी होने वाला है। जी वो पिछले वीडियो में मजाक भी कर रहे थे तीनों भाई के, हम लोग खांसते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कुछ। हाँ नहीं, ये गलत है। अगर बाद लोग अगर इसको रिलेट कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर इस तरह से वो बिल्कुल ही गूंगे बन के करें और वो खांसे भी ना, तो ये तो गलत है यार, ये
हाँ नहीं नहीं ये कैसे हो ऐसा सकता भाई, वो सोच भी नेचुरल है, खांसी सी आ रहा था, नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज है, आप बिल्कुल गलत बात है। रोक नहीं सकते। लेकिन पहले इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, कभी कभी पुअर कैमरा वर्क लगता था, लेकिन आई थिंक इस बार और लास्ट फ्यू एपिसोड्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आई और बिल्कुल मजा आता है देखने में, क्योंकि बिल्कुल इसकी वजह यह है कि आप सारे एंगल्स कवर हो जाते हैं, पता चल जाता है कि अभी ये जेन्यून एक्टिविटी हाँ, रियल लगता है, रियल लगता है, बिल्कुल। है। अच्छा तो लोकेशन, लोकेशन बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी कंजेस्टेड थी, वाइड एंगल कैमरा बन नहीं रहा था, बड़ी कोशिश की इन्होंने, वाइड एंगल बन नहीं रहा था, बहुत तंग थी। हाँ जी सही कह रहे हैं, हाँ, बहुत छोटे छोटे रूम्स थे तो मुश्किल होता है, हाँ, जी अनलेस कि आप दूर से बनाएं, लेकिन जगह बहुत ही कम थी, सही कह बहुत रहे ही हैं, कम थी, हाँ, बल्कि हाइट भी बहुत कम थी, है ना, क्योंकि हाइट भी हाँ कम थी, बिल्कुल, वो जैसे आपने देखा वो सीलिंग फैन बिल्कुल इनके रीच में था। बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा ही था ऊपर, वो सर के ऊपर, हाँ जी उसमें मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स हुई है, फ्रेम में हर चीज आई है, जी जैसे वो लकड़ी गिरी थी 2 बार दीवार से लगी हुई थी, जी वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द फ्रेम थी, जी आई थिंक उसमें तो कोई डाउट नहीं था कि वहां पे कोई आसपास खड़ा है, क्योंकि बाकायदा वो फ्रेम में रिकॉर्ड हुई थी। जी बेस्ट और तो क्या, मुझे वही लगा जो पत्थर पड़ा हुआ था, या जो मेकअप का आप कह रहे थे ना, बैग या बैग, जी, वो गिरा, वो बेहतरीन था, वो बिल्कुल, हाँ वो आई थिंक बिल्कुल वो सही रिकॉर्ड हुआ था, सही मौके पे रिकॉर्ड हो गया था वो। जी बिल्कुल। और मुझे वो बड़ा अच्छी इनकी वो एक्टिविटी जो शहरी भाई बाहर खड़े हैं और ये असद भाई अंदर से दिखा रहे हैं, और जो विंडो का खुल बंद होना, वो मुझे इसलिए यहाँ से अच्छा लगा कि कैमरा वर्क बड़ा अच्छा था, जबरदस्त था, उसमें कोई डाउट बिल्कुल रहता ही नहीं है, और जेनुअन, बड़ी जेनुअन एक्टिविटी थी, और कैमरा वर्क के वाले से बड़ा अच्छा था वो, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि भैया खिड़की के बाहर कुछ एक्टिविटी हुई है, खिड़की हिली है, तो आप बाहर से नहीं दिखाते थे, नहीं एक दिखाते हैं बार दोनों एंगल कवर कर लिए, तो जी। बिल्कुल गुड थिंकिंग चांद भाई की तरफ से भी, शरी भाई ने भी ऑब्वियसली बहुत जल्दी जाके बाहर से दिखाया है, तो जी हाँ आई थिंक ये इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी और जरूरी भी है हम सब के लिए। और दूसरी टीमों के लिए भी है ना कि आप भी मतलब इस तरह से कोशिश करें दिखाने की, अगर आप इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, रात को उठ के जा रहे हैं, इतना ट्रैवल करके जाग रहे हैं रात पूरी, तो फिर तो उसमें अगर अगर आपके पुअर कैमरा वर्क की वजह से या किसी और वजह से कोई आपके काम में थोड़ा सा डाउट आ जाए, तो वो अगर अगर इम्प्रूव कर लें तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए, मतलब वो हाँ बिल्कुल, वरना फिर पूरी वीडियो पे एक तरह से पानी भर जाते हैं ना लोग, फिर बिल्कुल। डाउट आने शुरू आते हैं दिमाग में, तो जी। सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये अच्छी एडवाइस है आमिर भाई की, ये सब टीम्स को ऐसे ही करना चाहिए, आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट डालें तो ज़्यादा अच्छा अच्छा रिजल्ट। आपको मैं थोड़ा रोकूंगा व्यूअर्स के लिए भी, कि ये थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरी इसमें, विंडो की वजह से, लाइट की वजह से नहीं रिफ्लेक्ट। नहीं अच्छा नहीं बिल्कुल ठीक अच्छा है, अच्छा बाय द वे व्यूअर्स को बता दें, हम यहाँ पे, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो सैटरडे है, और वहाँ पे लंदन में आप हैं, फ्राइडे नाइट है। हाँ देखें अजीब बात है, यहाँ पे रात के 10 बज रहे हैं, वहां पे सुबह के 10 बज आपके सोने का टाइम हो रहा है, मैं उठ गया हूँ रहे हैं। सही सही है, हम आपसे माजरत है आमिर भाई, मैंने आपको नहीं सुबह नहीं सुबह माजर दिया रिकॉर्डिंग के लिए। माजर आपसे है कि आपको मैं सोने नहीं दे रहा। मैं सो जाऊंगा, जल्द सो जाऊंगा इंशाल्लाह, मुझे नींद जल्दी लग जाती है, ठीक है कोई मसला नहीं है। सही है। तो ओवरऑल बड़ी जबरदस्त एपिसोड थी, बहुत मजा आया देख के ना इनको, और बहुत काम वेरी मच इम्प्रूव यार, बहुत इम्प्रूव है काम आपका, शहरी भाई, चांद भाई और असद भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह सब्सक्रिप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हाँ हमें जी तो उम्मीद है कि 1 मिलियन तक आए तो फिर पाकिस्तान 1 मिलियन का हो गए तो नंबर। आइडियली तो इनको पार्टी देनी बनती है हमें। हाँ कुछ शरी भाई कुछ अरेंजमेंट करें यार, बुलाएं हमें भी, हम गरीबों को भी बुला लें कभी। जी सही। तो बाकी अच्छा, वो एक बात मिस कर गया मैं, मेंशन करना चाह रहा था, वो जो चांद भाई को बोतल आवाज आई, जो पानी की बोतल उन्होंने पकड़ी हुई थी, आवाज आई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लगा है, हमें भी कुछ लगा कि ऐसे कि जैसे कुछ चीज लगती है आके, तो वो आप क्या कमेंट है आपका? हाँ मुझे भी ऐसे लगा यार कि वो बोतल की आवाज नहीं हो सकती, जैसे अगर खाली बोतल हो तो वो अगर मुड़ जाए तो एक आवाज, प्लास्टिक की एक टिपिकल आवाज होती है, उस तरह की आवाज नहीं थी, पानी भी था उस बोतल के अंदर तो वो बेड नहीं हो सकती थी, तो आई थिंक कि कुछ कोई चीज वहां से गुजरी थी, या तो उनके हाथ पे लगी है या उसने
बोतल को गिराने की कोशिश की या पकड़ने की कोशिश की, उसकी आवाज आई है मेरे ख्याल यानी से। आप कह रहे हैं कि वो बेंट, उसमें बेंट नहीं हो सकता कि जैसे बेंट पड़ जाता है और बॉटल अपने आप को खुद को रिकवर किया हो। नहीं, वो बैंड नहीं हो, अगर पानी हो बोतल में तो बैंड नहीं होती, हो सही सकती बात खाली है। बोतल बैंड होती और या एक दफा नहीं, ये 3 दफा हुआ था इनके साथ। एक दफा तो बॉटल बिल्कुल हाथ से गिर गई। अच्छा। हाँ ये बड़ी अजीब बात है यार, ये उसमें शायद वो क्लियर करने के लिए कुछ पड़ा गया था उस पानी पे, तो शायद उस मखलूक को या जो भी जिन्नात थे वहां पे, मैं अच्छा। अंदाजा होता था कि ये भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उन्होंने जी, ये हरबा बिल्कुल इख्तियार किया, उन्होंने हो सकता है। असद भाई को भी मारा असद भाई को भी लगी यार, असद भाई को काफी पढ़ते हैं, पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। असद यही भाई से पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है इन लोगों होगा की कि ये हमें ढूंढ लेता है यहाँ जहां भी हम हो। नहीं वैसे आपने सही कहा था कि असद भाई की जो सिक्स सेंस है, इंस्टिंक्ट, वो बहुत तेज है, उन्हें जी किसी तरह ना अंदाजा हो जाता है कि अभी कुछ होने वाला है। जी मैंने और पिछली एक दो एपिसोड में नोट किया था, शहरी भाई और चांद भाई देवर पॉइंटिंग ऑन डिफरेंट साइड, और असद भाई ने कहा नहीं नहीं रुको रुको यार, इधर देखो इधर देखो, 2-3 दफा इन्होंने किया, तो वाकई वहां पे कुछ हुआ। अच्छा तो हो सकता है कि शायद इनकी ज्यादा इंस्टिंक्ट हो, मुझे ऐसा हाँ लगता हो सकता है, हाँ एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन यहाँ नेचुरली भी कोई हो सकता है, इस तरह की एबिलिटी होती है लोगों में, उन्हें है। अंदाजा हो जाता जी, सही है। और बाकी पानी क्लियर करने के बारे में ये पूछेंगे इनसे, हमेशा हमें रहता है जैसे हम बात कर रहे थे। हाँ यार ये वो क्या था कि टीम के लिए रिक्वेस्ट है कि हमें जरूर किसी एक ना वीडियो में बताएं कि ये प्रोसेस क्या होता है क्लियरिंग का। मैं तो काफी अरसे से पूछ रहा हूँ कि कोई समझाए कि ये होता क्या है, क्या पढ़ा जाता है, कौन पढ़ता है जी ये, और सबसे जरूरी चीज़ ये कि क्या आप क्लियर करने के बाद क्या वो मखलूक वहाँ वापस आ जाती है, ये मैं हमेशा मैं मेरे जहन में ये बात आती है कि क्या परमानेंट ये सोल्यूशन होता है या टेम्प्रेरी जी होता जी है जी इफेक्टिव तो ये। लगता है, इफेक्टिव इसलिए लगता है कि जैसे वो क्लियर कर रहे होते हैं काफी कामनेस हो जाती है, काफी खामोशी हो जाती है, और जब कर रहे होते हैं ज्यूरिंग क्लियर, तो उसके वक्त उस वक्त तो इन पे जब अटैक होते हैं तो लग रहा होता है कि जो जो मखलूक हैं, जो जिन हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो इफेक्टिव तो लग रही होती है, लेकिन उसके बाद कितनी देर इफेक्टिव रहती है ये अगेन इज अ क्वेश्चन। आई थिंक वो इसी तरह पता किया जा सकता है कि आप उसी लोकेशन पे वापस जाएं फिर चेक करें कुछ अरसे बाद, इसी तरह आप जी फिगर आउट कर सकते हैं, वरना तो कैसे पता चलेगा। आई डोंट थिंक ये परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है मेरे ख्याल में। और भाई आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अगर जगह खाली है तो फिर वो वापस भी आ सकती बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि इतनी कमजोर हैं वो, ये अगर इतनी उनको ताकत अल्लाह ने दी हुई है कि वो इंसान को बीमारी तक लगा सकती हैं, इतना नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो एक हैं। पानी से, खैर उस वक्त तो हमें लगता है नजर आ रहा होता है कि चली गई हैं, तो परमानेंटली चली जाती हैं, तो ये क्वेश्चन है कि ये श्योर हाँ क्वेश्चन। आप भी रिक्वेस्ट करें सारी टीम से अपने वीडियोस में कि वो हमें एक्सप्लेन करें जी किसी जी वीडियो में, जी बिल्कुल, मे बी मेरी दस जी मिनट एक सेक्शन बना ले जिसमें आप हमें समझाएं कि क्या होता है ये बिल्कुल। क्लियरिंग सही है, कोई नहीं, जब का। पहुंचेगी वीडियो तो शायद जवाब दे दें, बता दें हमें। हाँ इंशाल्लाह शरी भाई, असद भाई, चांद भाई, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हम लोग को जरूर कभी एक्सप्लेन करें, बल्कि हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का कोई जूम सेशन रखते हैं, वो क्या था हमारे कि टीम साथ के साथ में। जी बिल्कुल, अगर चांद भाई, आप शहरी भाई या हसन भाई में से किसी को भी, किसी तक भी हमारी वीडियो पहुंचे तो देखिएगा, अगर टाइम निकला है आपके पास तो हाँ इंशाल्लाह एक सीटिंग इंशाल्लाह कर लें हमारे साथ। उसमें फिर डिटेल में बात हो सकती है, कोई जी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वीडियो पे बात नहीं होगी, जो जी सवाल हैं वो हम पूछ सकते हैं। और व्यूज के लिए भी मेरे ख्याल में हम अगर कह दें कि अगर कोई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अगर ये हम व्यूज से भी कोई पूछना चाहें तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ गुड आइडिया, बिल्कुल व्यूअर्स आप पूछें और हम टीम के सामने रखेंगे वो सवालात, और ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। आमिर भाई के पास आइडियाज बड़े जबरदस्त होते हैं यार, मैं तो जूम का तो मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था, इन्होंने ही मुझे सिखाया है तो ओ यार, बहुत अच्छा। आपको अरे मैं टेक्नोलॉजी सिखा देता हूँ, आप मुझे यूट्यूब सिखा दें, नहीं यार हम आई एम फाइनेंस प्रीटी सिखा श्योर आपको मेरे रहे साथ हैं, ये बता दें आपको मुझसे ज्यादा पता है, आई एम श्योर मुझे तो वो आपकी पास एनर्जी लिफ्टिंग बहुत भी अभी तक करा रहा नहीं, इंशाल्लाह व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब करें, आमिर भाई के रिएक्शन बहुत जबरदस्त हैं, यार। लाइक करें, और मुझसे बहुत ज्यादा रेगुलर डालते हैं तो आप लोगों को रेगुलर देखने को मिलेगा, आमिर भाई को जरूर सब्सक्राइब करें।
अच्छा, वो फैजी भाई की मैंने की थी वीडियो, वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी यार, मैं देखी, मेरे पास टाइम कम था लेकिन मैंने ब्रेक में देखी थी। आई थिंक वो अच्छी एक्टिविटीज थी, लेकिन कुछ कमियां थी, उन्होंने आई थिंक उन्होंने बाहर रखना चाहिए था कैमरा। मैंने भी उनको कहा था कि भाई आप जाते ही हैं, जो कैमरे आप लगाते ही हैं, हमेशा लगाते हैं, ये बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन वो तब लगाते हैं जब ये इन्होंने सोना होता है, तो ये कैमरा अगर शुरू में जाते ही एंटर होते ही लगा दें। हाँ शायद पावर का इशू हो सकता है कि चार्जिंग खत्म हो जाएगी, रात को उनको चाहिए तो शायद इस वजह से, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, आइडिया उनका बहुत अच्छा है। हाँ डेफिनेटली, हाँ। और 3 दिन 4 दिन गुजारना तो इज सारा आते हैं। वेरी डिफिकल्ट, वो भी अकेले इस जगह पे। बिल्कुल अच्छी। बंदा तो एक रात नहीं गुजार सकते यार, 4 दिन तो बहुत होते चलो हैं। ये इसके लिए फैजी भाई के लिए कोई अलग अलग सेशन रखेंगे, हम सारी बातें इसी में नहीं करते। हाँ नहीं, फैजी भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपसे भी इंशाल्लाह हाँ जूम पे जी मुलाकात होगी, एक आपके साथ भी एक सेशन रखेंगे। सब जी सारी टीम्स के मोस्ट वेलकम, अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ और आमिर भाई के साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, मजा आएगा। जी कोई इंटरव्यू टाइप, कोई थोड़े बहुत हमारे तरफ सबके आपके आपके जवाब तो अच्छा रहेगा। हाँ, सब सबको ओपन इनविटेशन है, मोस्ट वेलकम जी इंशाल्लाह। चले आमिर भाई, वाइंड अप इंशाल्लाह। करते हैं, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, कभी व्यूज पे कहेंगे यार बहुत लंबी होगी वीडियो। नहीं इंशाल्लाह, आप लोग फीडबैक में बताएं कि आप लोगों को ये कोलैबोरेटिव सेशंस कैसे लग रहे हैं। हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि क्या हमें इस तरह कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं। आप लोग जरूर बताएं फीडबैक में। और ठीक है हमारा जी, अनाना के साथ प्रोग्राम है जल्द जूम सेशन का, तो वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी फैसल भाई। चल ओके आनर भाई, ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।